वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि दीवार पे प्लास्टर कैसे करते हैं, यहाँ पे एक लेंटर छज्जे का कोर कैसे बनाते हैं, पूरा प्रोसेस सिखाऊंगा दोस्तों। और अगर आपने नहीं सीखा है अभी तक तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पक्का 100% सीख जाओगे। अगर मैं जो प्रोसेस आपको बताऊंगा वह प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे तो आप बिल्कुल सही तरीके से आप बिल्कुल ही प्लास्टर करना सीख जाओगे। तो जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं उनके कारण आप सही से प्लास्टर नहीं कर पाते हैं, वही इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको जो दीवार पे आप प्लास्टर करना चाहते हो उस दीवार का अच्छी तरीके से आपको क्यूरिंग यानी कि तराई कर लेना है। तराई इस तरीके से करना है कि कहीं पे आपकी ईंट मसाले का पानी नहीं सोखना चाहिए। तराई भरपूर करने के बाद आपको उसके बाद सीमेंट का गोल बना के और दीवार पे लगा देना है। लगाने के बाद फिर आपको मसाला चापना है। तो मसाला चापने के बाद पलटी चलाते हैं। पलटी कैसे चलाते हैं वह प्रोसेस आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। और उसके बाद लेवल रूसा से लेवल कैसे किया जाता है, गुरमाला कैसे फेरा जाता है, पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे हमने सीमेंट का गोल उधर में लगा दिया है, इधर में सीमेंट का गोल लगाना अभी बाकी है। इधर में सीमेंट का गोल लगाने के बाद फिर आपको सिखाते हैं प्लास्टर कैसे करते हैं, कैसे मसाला चापते हैं, कैसे कन्नी पकड़ा जाता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको सीखने को मिलेंगे इस चैनल पे। तो चलता हूँ गाइस, अब मैं करता हूँ अपना वीडियो स्टार्ट, काम आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे हमने मसाला पूरा चाप दिया है, आपको सिखाना था कि मसाला कैसे चापना है, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। मैंने पूरा प्लास्टर यहाँ पे मतलब जो प्लास्टर करने वाला हूँ उस दीवार को मैंने पूरे को चाप दिया है। अब आपको सिखाने वाला हूँ कि प्लास्टर कैसे मतलब मसाला चापा जाता है, कन्नी कैसे पकड़ते हैं। देखो आपको ये हमारी कन्नी है, ये कन्नी को देखो ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ के और इस कन्नी को इस तरीके से मसाला उछारा जाता है। उछारने के बाद में ये मसाला हमारा उलर हो गया यानी कि जमा हुआ नहीं रहा। अब इसको कैसे चापना है, देखो इस तरीके से कन्नी को इस तरीके से इधर को ले जाना है, इधर को ले जाने के बाद में इस तरीके से देना है यानी कि देखो इस कन्नी को ऐसे पकड़ के और इस तरीके से ऐसे करके और ऐसे ऊपर की साइड को करना है। इसी तरीके से मसाला यहाँ पे चापा जाता है। अगर आपको समझ में आ गया हो दोस्तों तो मसाला चापने का तरीका देखो, कन्नी को ऐसे पकड़ना है, ऐसे कन्नी को पकड़ने के बाद में अब इस कन्नी को इस तरीके से ऊपर की साइड को इस तरीके से करना है तो आपका मसाला वहीं की वहीं चिपक जाएगा। और मसाला जो भी आप प्लास्टर करो वो दीवार पे मसाला आपको बिल्कुल लेवल में मिला के चापना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे चाप के बता रहा हूँ इस जगह पे कि कैसे चापा जाता है। देखो ये देखो, तो दोस्तों इसी तरीके से मसाला चापा जाता है, ये हमारी कन्नी है। अब उल्टे हाथ से मसाला चापने का आपको प्रोसेस यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों उल्टे हाथ से मसाला कैसे चापते हैं, इसी तरीके से कन्नी को पकड़ा जाता है, इसी तरीके से कन्नी को पकड़ते हैं, इसी तरीके से कन्नी को पकड़ने के बाद में अब हम उल्टा हाथ से ऐसे चापेंगे यानी कि ऐसे ऐसे, तो ये मसाला हमारा सही तरीके से चपा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों एक बार और बता रहा हूँ आपको उल्टे हाथ से मसाला चापने का तरीका। ये कन्नी ऐसे पकड़ा हमने, इस देखो इस तरीके से कन्नी को पकड़ा, इस तरीके से कन्नी को पकड़ने के बाद में हमको ये कन्नी को हमारी तरफ को खींचना है। तो मसाला हमारा इस तरीके से कन्नी को ऐसे करना और मसाला हमारा वहीं की वहीं चिपक जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो आउटर में काम कर रहा हूँ बाहर की साइड, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बारिश होने लगी है। तो अब मैं वीडियो को थोड़ा रोक के और फिर आपको बाद में सिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे प्लास्टर किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बारिश होने लगी है